उदाहरण एक, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि एडी बटे एबी बराबर एई बटे एसी। बच्चों, अब हम उदाहरण एक हल करेंगे। इस उदाहरण में हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे, तो ऐसी स्थिति में एक और शर्त दी हुई है कि जो डी ई रेखा है या जो रेखा हमें दी हुई है वो आधार बीसी के समानांतर है। तो इस स्थिति में हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। इसको चित्र में देखें, ए डी बटे ए बी यानी ये हिस्सा बटे त्रिभुज की ये वाली पूरी भुजा बराबर होगी ए ई बटे ए सी। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हमें यह पता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर हो तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। इसे हम लिखें AE बटे EC के। ये हमें आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ये कथन हमें पता है। अब आप देखिए, यहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचना है। आप देखिए, यहाँ AD है, यहाँ भी AD है, यहाँ पर पूरी भुजा AB है और यहाँ पर उस भुजा के कब जो बचा हुआ हिस्सा है वो यहाँ पर शामिल है। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमें दोनों पक्षों में एक का योग करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि हम एक जोड़ते हैं तो हर में DB बचेगा और हमें देखिए यहाँ पर AD को बचाना है। तो यदि इसका हम व्युत्क्रम ले लें तो ये कथन हमें इस तरह से मिलेगा, DB बटे AD बराबर EC बटे AE। देखिए हमने क्या किया, AD बटे DB को लिख दिया, DB बटे AD बराबर AE बटे EC को व्युत्क्रम किया और हमने लिखा EC बटे AE। अब यदि हम दोनों पक्षों में एक एक जोड़ें तो हमें क्या मिलता है, जरा देखिए, DB बटे AD धन एक बराबर EC बटे AE धन एक। आप इसे हल करना जानते हैं, जैसे हम भिन्न हल करते हैं उस तरह से कि AD का गुणा आप एक में करेंगे और जो मिलेगा उसे DB के साथ जोड़ेंगे, तो आपको यहाँ मिलेगा DB धन एक गुणित AD यानी AD और बटे में फिर से आपको AD मिलेगा, तो AD लिख लें। ठीक इसी तरह से यहाँ हमको मिलेगा ए ई का गुणा एक में करेंगे और ई सी में जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा ई सी धन ए ई बटे ए ई। अब आप देखिए डी बी धन ए डी, डी बी धन ए डी या ए डी धन डी बी यदि आप इसको करें तो आपको पूरी भुजा ए बी मिलती है। तो इस पूरे के बदले में आप लिख सकते हैं ए बी और बटे में आपके ए डी है उसको ए डी ही लिखें और इधर देखिए क्या हो रहा है, ई सी धन ए ई, ई सी धन ए ई, इसको आप उल्टा देखें ए ई धन ई सी करेंगे तो आपको पूरा का पूरा मिलेगा ए सी। तो इतने की जगह में आप लिखेंगे ए सी, ये हुआ ए सी बटे ए ई। अब आप देखिए क्या आप इसके नज़दीक पहुंच गए, यहाँ है ए डी बटे ए बी और आपको यह मिल रहा है ए बी बटे ए डी, यहाँ आपके पास है ए ई बटे ए सी और यहाँ आपको मिला है ए सी बटे ए ई। यदि इसको हम व्युत्क्रम कर लें, इसका इन्वर्स लें तो हमको मिलेगा, इस कथन के जगह पर आप लिखेंगे ये इस रूप में हमें मिलेगा ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, ए ई का पक्षांतर आपने किया ए ई वहाँ चला गया, ए सी का पक्षांतर किया ए सी नीचे आ गया और ठीक इस तरह से ए डी यहाँ ऊपर और ए बी नीचे। तो ये कथन आपको मिलेगा
और आपने देखा कि जो चीज़ आपके सामने आ रही है, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, यही आपको प्रूफ करना था। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में एक रेखा जो आधार बी सी के समानांतर है वो डी और ई बिंदुओं पर त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को काट रही है, तो उस स्थिति में एक खंड और वो पूरी भुजा दूसरी भुजा के एक खंड और दूसरी पूरी भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका उदाहरण एक था।